राष्ट्रीय प्रेरणा की दूत बनी मधुबनी की दीपशिखा, राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से हुई सम्मानित। महिलाओं एवं पुरुषों पर हो रहे अत्याचार, घरेलू हिंसा आदि के खिलाफ वर्षों से संघर्षरत प्रखर संस्था महिला विकास मंच मधुबनी की जिलाध्यक्ष एवं प्रसिद्ध समाज सेविका दीपशिखा सिंह बनी राष्ट्रीय प्रेरणा की दूत। बिहार के छपरा में आयोजित फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के 7वें वार्षिकोत्सव समारोह में बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय द्वारा दीपशिखा सिंह को उनके सामाजिक कार्यों एवं महिला उत्थान के दिशा में किए गए पहलों को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार के मंत्री एवं मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीपशिखा सिंह के कार्यों को सराहा और उन्हें भविष्य हेतु अशेष शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि दीपशिखा सिंह बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर की मूल निवासी हैं और शैक्षिक लिहाज से उद्यमिता विकास एवं प्रबंधन के क्षेत्र में स्नातक हैं। दीपशिखा ने समाज में बदलाव करने, नारी पुरुष के बीच के असमानता को मिटाने और महिला ही नहीं पुरुषों पर हो रहे अत्याचार और घरेलू हिंसा के खिलाफ संघर्ष करने का बीड़ा उठाया है। मधुबनी में दीपशिखा सिंह के नेतृत्व में महिला विकास मंच ने कई अहम और सराहनीय कार्य किए हैं। सैकड़ों महिलाओं को न्याय दिलाया है और उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। दीपशिखा सिंह के नाम राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कृत सहित सैकड़ों सम्मान शामिल है। दीपशिखा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने के बाद जिले भर में हर्ष का माहौल है। साथ ही जिले के कई राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों द्वारा उन्हें बधाई दी जा रही है। जयनगर से लकी राउत की रिपोर्ट। मधुबनी बिहार। सुश्री दीपशिखा सिंह ने महिला विकास मंच के साथ मिलकर विभिन्न सामाजिक कार्यों जैसे महिला स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, पर्यावरण